मैंने आपसे हजार दफा कहा है कि मेरे लिए जब बिरयानी बनाए बेच थोड़ा सा सालन निकाल दिया करे, आपने नहीं निकाला ना। खाना बनाने में काफ़ी टाइम हो गया है, अभी तक मैंने खाना नहीं बनाया, तो अब मैं बनाने लगी हूँ खाना। तो बिल्कुल अंधेरा हुआ हुआ है, ये अंधेरा हो चुका हुआ है। लखमान रहीम, और मैं क्या बनाने लगी हूँ, बिरयानी। तो शदीद लगी हुई है और 8 बज गए हैं आज खाना बनाने में। चारों मसाले डाले हैं, बिरयानी मसाला ये सारा मैंने पैकेट इसमें डाल दिया, पहले पूरा पैकेट डाल दूँगी इसमें। प्याज लगना गए, मैं मसाला बना रही हूँ, अंदर मैंने पानी बॉयल करना रख दिया हुआ है चावलों के लिए, चावल जो हैं भीगे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है, दुआएं हैं आप सबकी। तो आज का व्लॉग शुरू करते हैं। व्लॉग शुरू करने से पहले जो जो मेरे चैनल पर नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जज़ाकअल्लाह। आपने देखा है मैं बाहर बिरयानी का मसाला बना रही हूँ और अंदर मैंने बॉयल करने रखे हुए हैं चावल। अब देखिए कितनी देर में मेरा खाना तैयार होता है, और टाइम भी तकरीबन 8:15 का हो चुका हुआ और शदीद सबको भूख लगी हुई है। एक्चुअली मैं गई हुई थी किसी काम से बाहर, गई हुई थी इसलिए आज खाना पकाने में ज़रा देर हो गई। इधर तो पानी में आ गया है बॉयल, अब मैं डालती हूँ चावल। अभी मसाला तो बना नहीं है, मसाले में अभी 10 मिनट बाकी हैं, चलो उतनी देर में मैं चावल बॉयल कर लेती हूँ। बस इसमें चावल मैंने डाल दिए हैं, और इधर मेरा एज़ यूजुअल दूध बॉयल हो रहा है। जैसा कि आपको पता है कि मैं दूध कैसे बॉयल करती हूँ, हाफ पानी हाफ दूध। पहले भी दूध वैसे पानी ही होता है जो आता है घर में, और पानी और डालना पड़ता है मज़ीद। खैर अल्लाह हदायत दे सबको। चिकन कौरमा बना लिया था, और इस पर मैंने चावलों की एक लेयर नीचे लगा दी है, और टमाटर पुदीना वगैरह डाल दिया, और मैं ऊपर डाल दी उसके मसाला कौरमा, और ये डालूँगी और एक लेयर और लगाऊँगी मैं इस पर। इसमें आधे चावल डालूंगी मैं। यह बहुत कुछ सिखा दिया मीडिया ने घर बैठे औरतों को माशाल्लाह से। तो अब मैं फिर इसकी एक बनाती हूँ लेयर, यह बनाती हूँ, थोड़ा सा पुदीना डालती हूँ, मसाला। ये मेरा किलो चिकन है और किलो ही चावल है, तो जल्दी से ये भी डाल देते हैं ऊपर। आधा रंग डाल दिया, पाउडर फॉर्म में डाला है, और ऊपर डालूंगी मैं फिर ये जो पुदीना मेरा बचा हुआ है पुदीना डाल दूंगी, और दम पे रख दूंगी इसको। बस अब बिरयानी मेरी पड़ी है दम पे, महानूर के लिए निकाला है थोड़ा सा बिरयानी कौरमा, और वो खाती है शौक़ से नाश्ते में। अभी मैं आपको दिखाऊंगी कि महानूर क्या कहती है, मैंने तो उसके लिए सालन निकाला नहीं है, मगर आप लोगों को पता है मैंने सालन निकाला हुआ है, ठीक है। और इधर मैं गूंदने लगी हूँ अब आटा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह से मेरी बिरयानी को भी दम आ गया, और मैं भी फ्रेश हो गई हूँ। अब हम खाने लगे हैं खाना, और मैं आपको दिखाती हूँ बिरयानी जो है वो बहुत मज़े की बनी हुई है। अब डिश में ले जाते हैं, फिर मैंने कहा प्लेट्स में ही डाल लेते हैं और ले जाते हैं अंदर खाना। मैं प्लेट्स में भी निकालती हूँ और अंदर जाके खाना खाते हैं। बिरयानी मैं पहले हिला गई थी, और अब्बू को खाना दे दिया हुआ मैंने, क्योंकि अब्बू को लगी हुई थी भूख, अब्बू को दे दिया, अब हम लोग खाना खाने लगे हैं। माशाल्लाह सबकी प्लेट में डाले गए हैं चावल माशाल्लाह से, और ये है फातिमा के फीक मसाले के बगैर वाइट राइस निकाले मैंने उसके। चलो ले जाओ उठाओ प्लेट। नेक्स्ट डे का व्लॉग, और वो इसलिए कि मैं कर रही हूँ यहाँ पे कपड़े इस्त्री आमिर के, अब्बू के मैंने कर दिए हैं, अब आमिर के कर रही हूँ। खाना तो हम लोगों ने खा लिया था रात, बिरयानी बनाई थी। थोड़ा सा व्लॉग और शूट कर लेती हूँ। अपनी शलवार कमीज़ पहनी है क्योंकि आज है जुम्मतुल मुबारक, तो मेरी तरफ से सबको जुम्मतुल मुबारक बहुत बहुत मुबारक हो। बिरयानी का रात का व्लॉग बनाया था, बहुत शदीद थक गई थी, आप यकीन करें बहुत शदीद थक गई थी। फिर मैंने जब रात मैंने आटा भी गूंदा था, तो आपने सोचा होगा कि बिरयानी बनाई है तो आटे की क्या ज़रूरत है, आटे की ज़रूरत है इसलिए थी कि बस ऊपर नाश्ता बनाना था। मैंने नाश्ते के लिए आटा गूंद के मैं रखने लगी थी, मैंने कहा एक ही दफ़ा काम सारा जो है वो समेट समूट के ना मैं रख लेती हूँ। इस्त्री मैंने कर ली है माशाल्लाह से, फारिग हो गई हूँ कपड़े इस्त्री करके, क्योंकि अब सब नहाना शुरू हो गए हैं, और माशाल्लाह से टाइम भी हो रहा है जुम्मे का, तो आप सब लोग भी जुम्मे की तैयारी करें और हम लोग भी तैयारी करते हैं।
तो ज़्यादा जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद शरीफ का जो है एहतमाम करें, नमाज के बाद सूरह कहफ पढ़ें और सबके लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला सबकी जायज़ हाजात पूरी करें। आमीन सुम्मा आमीन। मानूर को देती हूँ सरप्राइज, जाके उससे बात करती हूँ वो क्या कर रही है। मानूर क्या कर रहे हो आप? रोटी बना रही, पराठा। किसके साथ करना है? चाय के साथ। चाय के साथ? हाँ जी। कुछ पढ़ा नहीं हुआ? मैंने आपसे हज़ार दफ़ा कहा कि मेरे लिए जब बिरयानी बनाए बेचने से थोड़ा सा सालन निकाल दिया करे, आपने नहीं निकाला ना? नहीं, मुझे याद ही नहीं रहा। बस आपको मेरा साला भी याद नहीं रहता। मैं कुछ बोलूँगी तो फिर सारे कहेंगे छोटी बेगम जो है दूसरी बीवी जो जुल्म करती है बड़ी बेगम पे। हज़ार दफ़ा कहा है या नहीं कहा आपसे? बिल्कुल कहा है, हर दफ़ा कहती है। जब हर दफ़ा कहती हूँ ना, कल भी मैंने आपको कहा था जब बिरयानी बना लगी, मैंने कहा मेरे लिए थोड़ा सा निकालना है। बस मुझे याद नहीं रहा निकालना, बस जल्दी जल्दी में, तुम्हें पता तो है जल्दी जल्दी में मैंने बिरयानी कल बनाई। आज वैसे भी मेरा आजकल मैदा ही टप हुआ हुआ इस मौसम में, वैसे भी हो जाता है। मुझे चाय के साथ खाना पड़ेगा पराठा। मनूर शिद्दीक तपी हुई है कि उसके लिए मैंने सालन नहीं निकाला, हालांकि आपने देखा था मैंने रात को उसके लिए सालन निकाला। अब उसको चख के देती हूँ मैं सरप्राइज। ये उसका सालन कल का निकला हुआ है, मैंने कोरमा में सालन निकाल के रखा हुआ है। इसके लिए नाशी के लिए इतना काफ़ी होता है, तो चलिए मैं जाके उसको सरप्राइज करती हूँ। तो मनूर अब क्या करेंगे आप? कुछ नहीं, बताया तो है चाय के साथ खाऊंगी मैं, और मैंने क्या करना है? मुझे अफसोस हो रहा है मैंने आपके लिए नहीं निकाला। इस अफसोस से मैं अफसोस को मैं पराठे के साथ तो लगा लगा के नहीं खा सकती। अच्छा, चलो ये लो। क्या हुआ? चीज है हाँ, बस अपने बना ये चीज। मैंने आपको चीज बनाया? लो, इतना ऊंचा ना उड़े, इतना ऊंचा ना उड़े। आपके लिए रखा है ना? मैंने आपको कोई सेलिब्रिटी नहीं बनाया था, मुझे कोई शौक है सेलिब्रिटी बनने का, मैं तो रोटी कमाने आई हूँ सोशल मीडिया पर। ये आपको पता है ना मैंने सालन निकाला था कल? थैंक यू। वैसे मेरी सौतन आपा ने मुझे सालन दे दिया, अब रोटी मैं सोशल मीडिया से कमाने आई हूँ, वो आप कमाए। बिल्कुल। तो इसके साथ ही आज का मैं ब्लॉग करती हूँ ख़त्म। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। जहाँ रहें खुश रहें, अपनों का ख्याल रखें और दुआओं में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।